चलिए तो हम बात कर रहे हैं भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर देख रहे हैं। सागरीय क्षेत्रों में नदी का वह मुहाना जिसमें प्रायः ज्वार आता रहता है कहलाते हैं एस्चुरी। अगला, एलिफेंटा पास किन किन को अलग अलग करता है? तो ये श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को। अगला, जाली व्यास एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में। अगला है, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लिब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थल है? न्यू फाउंडलैंड। अगला, नीलगिरी के दक्षिण में स्थित कौन सा दर्रा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है? यह पाल घाट। अगला, किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को। अगला है, झेलम नदी का उद्गम स्थल पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान में स्थित है? बैरीनाग। अगला है, ऊटक मंडलम ऊटी पर्यटन स्थल किस राज्य में? तमिलनाडु में। अगला है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? बिहार झारखंड। अगला है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। अगला है, वर्ल्ड वाइड फंड जो कि सन 1961 में जीवों वर्ग व पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थापित किया गया था का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अगला है, जीव जंतु एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? फॉसिल। अगला है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल। अब उत्तरांचल को याद रखिए, उत्तराखंड भी बोलते हैं। अगला है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मानदेय समय में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। अगला है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है तथा यहाँ से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो याद रखिए, कर्नाटक में लोहे अयस्क निकाला जाता है। सबसे लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्दारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुसुप्त ज्वालामुखी। अगला, अटलांटिक क्षेत्र के ग्रांड बैंक तथा डोनर बैंक किससे संबंधित है? मछली उद्योग से। अगला, हर वर्ष मई जून में मानसूनी हवाएं किधर से दक्षिण भारत के हिस्से में प्रवेश करती हैं? दक्षिण पश्चिम से। अगला, तट रेखा से समुद्र में वह अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो याद रखिए, 200 नॉटिकल मील। अगला, उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा की। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखिए, प्रशांत महासागर में। अगला, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य गण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। अगला है, भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवसादी या परतदार चट्टानों में। अगला है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो ये राकेज। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। अगला है, पूर्णिया तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। अगला है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? 38वीं समांतर रेखा। अगला है, कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह विवर्तनी झील का। अगला है, मरुस्थलों में रातें मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि रेत पृथ्वी की अपेक्षा अधिक द्रुत गति से ऊष्मा विकृत करता है। अगला है, गर्मियों में एक खुले जलाशय का पानी ठंडा रहता है क्योंकि वायुमंडल की अपेक्षा जल मंद गति से ताप का अवशोषण करता है। अगला है, विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको माना जाता है? हांग हो को। अगला, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का। अगला, कश्मीर की घाटी स्थित है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच।
अगला है भारत के दो सबसे अधिक साक्षर राज्य हैं केरल मिजोरम। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 50% सबसे अधिक है? मिजोरम। अगला है वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है हाइग्रोमीटर। अगला राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में। अगला है फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। अगला है हमारा हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। अगला है अग्निवलय से जुड़ी भूकंपीय तरंग घटनाओं का क्षेत्र है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। अगला है सनातनी पवने सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है, इसमें कौन सी पवन शामिल है? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। अगला है वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैस पाई जाती है? हल्की गैसें जैसे हीलियम, नियोन, कैप्टॉन, डीनोन। अगला है हिम क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनद की घाटियों के तल से अधिक नीचा होता है जिससे सहायक हिमनद घाटियां मुख्य हिमनद की घाटियों को क्या कहते हैं? लटकती या नीलंबी घाटी। अगला है 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंच पोखरी झील जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है इसकी ऊंचाई है 5,414 मीटर। अगला है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकाऊ 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2004 के अनुसार। अगला है 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का 20.3%। अगला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, यह नहर पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई है? हरिके बांध से। अगला है सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है, यह किस नदी पर बनी है? तो चेनाब नदी। अगला है महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में अरब सागर में। अगला है भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी और पाग जलडमरू। अगला है हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम हैं भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गौमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो ये अलकापुरी के हिमनद से। अगला है पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, शनि के 22 उपग्रह, बुध और शुक्र के कितने उपग्रह? कोई नहीं उपग्रह नहीं है। अगला है शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है, बुध सबसे छोटा है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला है सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय सूर्य ऊर्जा की उस मात्रा से जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणों से समकोण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है, इसका नाम है 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अगला है वायु दाब और तापमान का परस्पर उल्टा संबंध होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट बल्कि वायु दाब में गिरावट आती है। अगला है कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। अगला है एओ किस राज्य की जनजाति है? नागालैंड की। अगला है एस्बेस्टोस एक ना जलने वाला रेशेदार तत्व है जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है, भारत के में इसके निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में। अगला है पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियां सतलज व्यास रावी चेनाब झेलम का सम्मिलित जल जल मिठान कोट के दौड़ थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? सिंधु नदी में। अगला है हमारा वूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, यह किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला है हमारा जनसंख्या के आधार
आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, जिसमें संसार की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग रहता है। अनुमान के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे निकल जाएगा? 2045 तक। अगला है, पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है, दूरतम होने की स्थिति को क्या कहते हैं? अपभू। अगला है, पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब विवर्तक की दिशा पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनकी को निर्धारित करती है। वेग। अगला है, विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? डोलड्रम। यहाँ याद रखिए, ये जो 16.7% भाग है कुल जनसंख्या, तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार 17.7% के करीब है। ठीक है।